राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और राजनीतिक विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और मैं अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो मेरी सरकार की वापसी ना हो उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर तरह की कोशिश का सांप्रदायिक कार्ड खेला गया, लेकिन राजस्थान की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष अजय माकन से भी मुलाकात की है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बड़ा होते ही होता है, ये हमारे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर दो, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री, नंबर दो। नंबर तीन, जो मोदी जी अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री भी तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली, उस भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पढ़ने नहीं आ रही।